हेलो माय फ्रेंड, नमस्ते और प्यार भरा सलाम। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा आइसोमेट्रिक पाइप ड्राइंग कैसे देखते हैं और इसका डायरेक्शन कैसे देखते हैं और इसका टेम्पलेट कैसे मोड़ते हैं और इसमें क्या क्या मटेरियल लगा हुआ है, इसके बारे में हम जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। थोड़ा इसको हमने जूम कर लिया है ताकि आपको थोड़ा क्लियर दिखाई दे। सबसे पहले हम इसमें देखेंगे कि क्या क्या मटेरियल लगा हुआ है। तो फ्रेंड, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैं पहले भी एक वीडियो में बता चुका हूँ, इसके पहले वाले वीडियो में, कि एक सॉकेट ज्वाइंट यहाँ पे लगा हुआ है। जो सॉकेट जो है खुद से बनाया जाएगा पाइप के द्वारा। जैसे ये लाइन जो है 12 इंच का लाइन है, यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है 12 इंच। तो इसमें 14 इंच का पाइप जो है 100 mm का कटिंग करके और सॉकेट टाइप का उसको बनाया जाएगा और इसमें यहाँ पे लगाया जाएगा। और उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये एल्बो लगा हुआ है और ऐसे देखने में लगता है कि ये 45 डिग्री का होगा, लेकिन ये 45 डिग्री का नहीं है। मैं आपको बता दूं कि ये 90 डिग्री का एल्बो है, क्योंकि यहाँ पे ये रोलिंग में है इसलिए ये ऐसा दिखाई देता है। तो हम रोलिंग के बारे में बाद में देखेंगे, लेकिन ये जानना जरूरी है और इसको कंफर्म करना होगा कि ये बॉक्स नंबर जो दिया हुआ है 3। और इस लिस्ट में हम आके यहाँ पे देखेंगे कि लिस्ट में ये 3 नंबर में क्या है। यहाँ पे देख सकते हैं कि 90 थोड़ा बहुत दिखाई दे रहा है, क्लियर ड्राइंग नहीं है। 90 डिग्री एल्बो और उसके बाद कोड लिखा हुआ है कुछ। उसके बाद यहाँ से ऊपर जाएंगे तो यहाँ पे भी सॉकेट जो बनाया गया है, जिसमें दोनों पाइप के बीच में 3 mm गैप रहेगा और पाइप के द्वारा सॉकेट ज्वाइंट बनाया गया है। उसके बाद यहाँ पे टी लग रहा है, एक ये वाला टी लगाने के बाद यहाँ पे एक ब्रांच ऐसे निकल रहा है। और उसके बाद फिर यहाँ पे भी एक ये सॉकेट ज्वाइंट लगा हुआ है, फिर यहाँ पे भी एक एल्बो लगा हुआ है जिसका नंबर 3 नंबर में ही है। ये भी 90 डिग्री का ही एल्बो है, क्योंकि यहाँ पे रोलिंग में दिखा रहा है, इसीलिए ये लगता है कि ऐसे 45 डिग्री का एल्बो होगा, लेकिन ये सब ओरिजेंटल रोलिंग है इसीलिए ऐसा दिखाई दे रहा है। फिर लास्ट में यहाँ पे वही सॉकेट वाला सिस्टम है, पाइप का कटिंग करके बनाया गया है और यहाँ पे इसका भी नंबर लिखा गया है कि 4 नंबर में। आप देख सकते हैं कि ये कौन सा चीज यहाँ पे लग रहा है, यहाँ पे बताया गया है लेकिन यहाँ पे थोड़ा क्लियर दिखाई नहीं दे रहा। अब हम इसमें देखेंगे कि इसका डायरेक्शन इधर किधर दिखाई दे रहा है। तो आप देख सकते हैं कि इस कॉर्नर में ये कोना जो है नॉर्थ दिखा रहा है, जो एन लिखा हुआ है और ये तीर का निशान दे दिया गया है। तो फ्रेंड, जैसे आप ये देख रहे हैं ड्राइंग में कि ये कॉर्नर जो है नॉर्थ है, तो ये कॉर्नर साउथ हो गया और ये कॉर्नर वेस्ट और ये कॉर्नर ईस्ट हो गया। तो हम यहाँ से नीचे से स्टार्ट करते हैं। इसका रोलिंग जो यहाँ पे दिखा रहा है, पहला ये जो डायरेक्शन है, ईस्ट से नॉर्थ में रोलिंग है, ईस्ट से नॉर्थ पहला डायरेक्शन दिखा रहा है ईस्ट और दूसरा डायरेक्शन दिखा रहा है नॉर्थ। क्योंकि यहाँ से ये देखिए जो ये सब रेखा जो खींचा हुआ है, इधर से पतला हो गया और इधर से चौड़ा हो गया, तो ये जो है पहला डायरेक्शन यहाँ से होता है। हम इधर से पहला डायरेक्शन इधर से नहीं लेंगे, अगर इधर से लेंगे तो डिग्री आपका उल्टा हो जाएगा, तो हम पहला डायरेक्शन इधर से लेंगे। तो ये जो दिखा रहा है ईस्ट से नॉर्थ में रोलिंग, उसके बाद अप हुआ, अप होने के बाद यहाँ पे टी लग रहा है और टी में जो ब्रांच निकलता है उसको घुमाना है आपको वेस्ट से नॉर्थ में। वेस्ट से नॉर्थ रोलिंग दे रहा है, लेकिन यहाँ पे हमारा उल्टा रोलिंग हो गया। अगर हम इसको सीधा देखेंगे तो हमको इधर से आना पड़ेगा, इधर से आएंगे तो साउथ से ईस्ट रोलिंग हो गया। रोलिंग हम दोनों तरफ से देख सकते हैं, लेकिन इसको जब हम कैलकुलेट, अगर डिग्री के लिए कैलकुलेट करेंगे तो उल्टा हो जाएगा। तो डिग्री के लिए जब आप कैलकुलेट करेंगे तो रोलिंग आपको इधर से देखना पड़ेगा, साउथ से ईस्ट में रोलिंग, क्योंकि साउथ में दे रहा है 7047 mm पहला रोलिंग और दूसरा रोलिंग दे रहा है 20 mm। इसका डिग्री जब हम निकालेंगे तो 45 डिग्री से कम आना चाहिए। अगर आप इधर से डायरेक्शन के हिसाब से अगर आप रोलिंग निकाल देंगे तो 45 डिग्री से ज्यादा हो जाएगा, तो यही चीज आपको ध्यान में रखना होगा। उसके बाद यहाँ से लाइन ये अप हो रहा है, तो यहाँ पे फिर ये डायरेक्शन दे रहा है, सेम वही चीज है ईस्ट से नॉर्थ में रोलिंग।
इस पाइप का जो डायमेंशन है, अगर आप पाइप का डायमेंशन निकालना चाहते हैं कि हम इसका पाइप डायमेंशन कितना लगाएं, तो यहाँ मान लीजिए कि 607 लिखा हुआ है, तो ये देख रहे हैं कि पाइप का एल्बो का सेंटर तक यहाँ पे डायमेंशन दे दिया है। तो ये चीज ध्यान में रखना होगा कि आपको अगर ये पाइप का ज्वाइंट यहाँ पे दिया हुआ है तो हम इसमें एल्बो सेंटर माइनस करके तब जा करके इतना इसमें पाइप लगाएंगे। वैसे ही इधर वाला भी पाइप का डायमेंशन निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ से लेकर के और यहाँ तक एल्बो सेंटर तक जितना भी ये सब डायमेंशन दिया हुआ है सबको प्लस करेंगे। और सबको प्लस करने के बाद यहाँ पे देखिए टी का डायमेंशन भी यहाँ पे माइनस नहीं किया गया है, तो आपको पूरा माइनस करना पड़ेगा। यहाँ पे एक एल्बो सेंटर माइनस करना है, यहाँ पे एक एल्बो सेंटर माइनस करना है, उसके बाद यहाँ पे 3 mm जो माइनस करना पड़ेगा, फिर यहाँ पे 3 mm माइनस करना पड़ेगा, और उसके बाद यहाँ पे टी का डायमेंशन यहाँ से लेकर के और यहाँ तक का दोनों साइड का टी का डायमेंशन माइनस करना पड़ेगा। उसके बाद आपको ये पाइप का लेंथ पूरा मिलेगा। तो ये पाइप जो है कितने टुकड़े में होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे देखिए अलग अलग ज्वाइंट बीच में दिया गया है, तो आपको पाइप जो है पूरा लेंथ एक ही में नहीं रहेगा, अलग अलग पाइप कटिंग होगा, जैसे ड्राइंग में दे रहा है वैसे ही लगाना पड़ेगा। आप अपना मर्जी से तो लगा नहीं सकते हैं, तो इसीलिए यहाँ पे मान लीजिए कि लिखा हुआ है 607, तो इसमें एल्बो सेंटर माइनस कर देंगे और सॉकेट ज्वाइंट जो होगा यहाँ पे हम करेंगे 3 mm माइनस करके। उसके बाद यहाँ से और यहाँ तक का टी तक का हम पाइप अलग कटिंग करेंगे और उसमें टी का डायमेंशन एक तरफ का माइनस करेंगे। फिर यहाँ से और यहाँ तक का अलग पाइप रखेंगे, फिर यहाँ से और यहाँ तक का एल्बो तक का एक अलग पाइप रखेंगे। ये जो सॉकेट ज्वाइंट है और ये एल्बो तक हम अलग पाइप एक रखेंगे। इसमें टोटल 1, 2, 3, 4 पाइप अलग अलग होना चाहिए, तब जाकर का आप ये ड्राइंग के हिसाब से आप फैब्रिकेशन कर पाएंगे। तो फ्रेंड मैं इसका एक टेम्पलेट भी आपको मोड़ के दिखा देता हूँ। तो फ्रेंड हम अपने सामने इसमें नॉर्थ मानेंगे और इधर साउथ हो गया और इधर वेस्ट और इधर ईस्ट हो गया। तो ड्राइंग में जैसे दे रहा है कि पहला डायरेक्शन जो दे रहा है ईस्ट से नॉर्थ में रोलिंग, पहला डायरेक्शन जो दे रहा है यहाँ पे देख सकते हैं ईस्ट से नॉर्थ में रोलिंग है। तो हम ऐसे ये ईस्ट में ये वाला पहला डायरेक्शन पकड़ लिए और इसमें ऐसे नॉर्थ में, ये नॉर्थ की तरफ है तो ऐसे रोल कर दिए, और रोलिंग होने के बाद फिर यहाँ से ये ऐसे अप हो रहा है, ये अप हो गया। ये अप होने के बाद यहाँ पे एक टी लग रहा है, टी का जो डायरेक्शन दे रहा है वेस्ट से नॉर्थ में रोलिंग, अगर हम उल्टा देखेंगे तो वेस्ट से नॉर्थ में रोलिंग, वेस्ट से नॉर्थ में रोलिंग, तब एक इधर हम ऐसे टी टाइप का हम बना देंगे और ऐसे रोलिंग में रहेगा वेस्ट से, और ये हम ऐसे करेंगे तो ये बराबर आ जाएगा। ये देखिए वेस्ट से ये हो गया आपको ईस्ट से नॉर्थ में रोलिंग और ये हो गया वेस्ट से नॉर्थ में रोलिंग। अगर हम इधर से इसका रोलिंग अगर हम देखेंगे अभी, जैसे कि इस ड्राइंग में आप देख सकते हैं इसमें दिखाया है साउथ से ईस्ट में रोलिंग, ये देख सकते हैं साउथ और उसके बाद ईस्ट, साउथ से आके ईस्ट में रोल हो गया, जैसे साउथ में आया और आके ईस्ट में रोल हो गया फिर डाउन, ये मतलब यहाँ पे अब टी बनाना है हमको। तो ऐसे हम यहाँ पे बैंड करके और ऐसे हम टी बना लेंगे, ये टी बन गया और ऐसे ये रोलिंग में हो गया और ये भी रोलिंग हो गया। अगर हम ऐसे सीधा पकड़ेंगे तो ये रोलिंग नहीं हुआ, ये दोनों रोलिंग में आ गया इस तरीका से। उसके बाद यहाँ पे जो दूसरा वाला जो रोलिंग दिखा रहा है ये भी ईस्ट से नॉर्थ में रोलिंग, नॉर्थ में रोलिंग दिखा रहा है, ये इस तरीका से है, ईस्ट से नॉर्थ में रोलिंग। इस तरीका से ये रहेगा बनने के बाद, बिल्कुल आपको सीधा दिखेगा अगर ये 45 डिग्री में रहेगा तो, लेकिन ये 45 डिग्री में थोड़ा सा डिफरेंस रहेगा इसका रोलिंग में, तो डायरेक्शन जो है सेम ऐसा ही और टेम्पलेट जो है ऐसा ही आपको मोड़ना है, ताकि क्लाइंट बिल्कुल आपका काम जो है समझ जाए। तो फ्रेंड ये वीडियो कैसा लगा, इस तरीका से लाइक बटन नीचे उसे आप दबा कर हमको बताइए, और इस तरीका से एक रेड बटन होगा नीचे सब्सक्राइब का, उसे भी आप सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे आने वाला वीडियो आपको मिल जाए।